नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी, राम राम। दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, एक वीडियो लक्षद्वीप के बारे में मैं ला चुकी हूं और सेकंड वीडियो के लक्षद्वीप पे विवाद क्यों चल रहा है, आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, और ये बनाना ज़रूरी भी था क्योंकि हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में कोई भी विवादित कानून बनता है या किसी भी मुद्दे पर विवाद होता है तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्री और इंटरव्यू और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में तो पूछ लिया जाता है अगर कोई क्षेत्र चर्चा में रहता है तो वही दोस्तों हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि लक्षद्वीप में बनाए गए लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण, यहाँ पे मसौदा और कर लेना, मसौदा के प्रमुख प्रावधान बताइए, रेगुलेशन है ये, है ना। तो दोस्तों, मेन बात यहाँ पे अब ये भी हो सकता है कि लक्षद्वीप में हो रहे विवादित, लक्षद्वीप में लाए गए विवादित कानून के प्रमुख प्रावधान बताइए, फिर या फिर लक्षद्वीप में विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है ना, ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे कुछ बेसिक जानकारी आपको देनी थी, तो वही मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। कुछ मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बता भी दिया था, लेकिन फिर भी मैंने लिख के बताना ज़रूरी समझा। ये आप आंसर में मत लिखना, मैंने आंसर कहाँ से शुरू करना है वो मैं आपको बता दूंगी, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, एक सेकंड, कल का जो वीडियो था जिसमें बीकानेर मॉडल हमने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बोला था अमित मेहता, तो आप लोगों में से एक ने कमेंट भी किया था कि अमित नहीं, नमित है। हाँ जी, बिल्कुल वो नमित मेहता ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब टाइप करती हूँ तो छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो नमित मेहता ही थे शायद, और मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई, फिर मैं वही बोलती रही, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, नमित मेहता नाम है उनका, आई थिंक मैं सही याद कर रही हूँ, उनका नमित मेहता नाम था, ठीक है। और मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दूंगी उस वीडियो के नीचे, जो भी उनका सही नाम होगा वो मैं पिन कर दूंगी वहाँ पे, ठीक है। हमारे देश में राज्य अभी हमारे देश में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात मैंने आपको समझा दी पहले एक वीडियो में। जम्मू कश्मीर राज्य को यूटी बनाने, मतलब यूनियन टेरिटरी बनाने से 29 की जगह अब 28 राज्य बन गए, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई, अर्थात अब 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया, इसलिए 9 की जगह अब 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। ये बातें मैंने आपको पहले समझा दी, समझाने वाली बात भी नहीं है, बस ये जो चीज़ें मैं बार बार लिख रही हूँ ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए, बार बार रिवीजन करवाने के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें कई बार मैंने खुद ने मेरे मॉक्स में बहुत गलतियाँ करी हैं दोस्तों, बहुत बेसिक बेसिक गलतियाँ कर दी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा, अगर बगल में से कोई छोटा सा बच्चा आपके आपसे आके पूछे कि हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, कई बार हम गलत जवाब दे देते हैं, तो थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए। और कई बार पेपर में भी जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही हम ज़्यादा गलत करते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे देश में दोस्तों, सबसे पहले जब यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की गई थी, वो की गई थी 1956 में, है ना, और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उस टाइम पर सबसे पहले ये बात की गई थी कि भाई कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाने पड़े, ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाने पड़े, तो दोस्तों इसके पीछे तीन कारण थे। पहले तो दोस्तों, जो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है वो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित तो थे, परंतु जो उस क्षेत्र से उनके जो आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से वो बिल्कुल अलग थे, किंतु वो इतने छोटे भी थे कि उनको स्वतंत्र राज्य बनाना भी मुश्किल था, इसलिए उनके स्पेशल डेवलपमेंट के लिए उन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। हुआ क्या था दोस्तों कि जो हम अभी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया था कि स्वतंत्रता के समय 6 यूनियन टेरिटरीज़ थी, ठीक है, वो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जैसे आज चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी थी, वो अब है तो पंजाब में स्थित है ना, लेकिन क्या था कि वो उस जो पंजाब है उससे वो डिफरेंट आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अलग विशेषताएं रखती है ना, तो अगर चंडीगढ़ को पंजाब के साथ शामिल कर देते हैं तो उसका अच्छे से विकास भी नहीं हो पाए, लेकिन चंडीगढ़ खुद इतना छोटा सा है कि उसको हम अलग राज्य भी घोषित नहीं कर सकते, तो इसलिए दोस्तों इनका स्पेशल डेवलपमेंट करने के लिए, इन क्षेत्रों के विकास पर ज़्यादा जोर देने के लिए इन्हें यूटी घोषित किया गया था। वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, अब आप सुनते होंगे कुछ राज्यों में प्रशासक
कुछ यूनियन टेरिटरीज में प्रशासक होते हैं और कुछ में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पे प्रशासक काम कर रहे हैं और कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। अब दोस्तों मुझे इसका कोई स्पेशल रीज़न मिला नहीं कहीं भी कि क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं और क्यों स्पेशल प्रशासक बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई रीज़न पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन मैंने ये ज़रूर यहाँ पर बता दिया आपको कि कहाँ पर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब हो जाएगा उपराज्यपाल, ठीक है, और कहाँ पे प्रशासक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, पुदुचेरी में, इन पांच क्षेत्रों में उपराज्यपाल काम कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता भी है इन पांच क्षेत्रों में उपराज्यपाल काम कर रहे हैं। पुदुचेरी में जैसे किरण बेदी थी, उनका कितना ज़्यादा विवाद चला था, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें चंडीगढ़ की, दादरा नगर हवेली की, दमन दीव की और लक्षद्वीप की, जो कम महत्वपूर्ण है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, उनमें तो बना दिया गया उपराज्यपाल और जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है उनमें बना दिया गया प्रशासक। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ा है कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे किसी यूनियन टेरिटरी का प्रशासक भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा है ना, पॉलिटिकल में ये तो पढ़ा ही है। तो दोस्तों वर्तमान में जो वीपी सिंह बदनोर है वो पंजाब राज्य के राज्यपाल भी हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, दो पद एक साथ संभाल सकता है राज्यपाल। तो अगर कोई किसी राज्य का राज्यपाल है तो वह किसी यूनियन टेरिटरी का प्रशासक भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा, और जब वह प्रशासक बनेगा तो उस यूनियन टेरिटरी में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, वहाँ उनको स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी पांच में तो है दोस्तों, हमारे यहाँ पे अंडमान में, दिल्ली में, जम्मू, लद्दाख और पुदुचेरी, पांच में तो है दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, और चंडीगढ़, दादरा, दमनदीव और लक्षद्वीप तीन में है हमारे यहाँ पे प्रशासक, ठीक है। और बदनोर साहब जो हैं वो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, प्रशासक भी हैं। अब बात करते हैं दमन, जो अभी हम बात कर रहे हैं दमनदीव, सॉरी ये मैंने प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे गलत लग दिया, ये प्रफुल्ल पटेल नहीं आएगा, दमनदीव और दादरा नगर हवेली को मिला दिया गया है, ये हमने पढ़ी लिया कि इन दोनों को मिला दिया गया और यहाँ पर भी अभी प्रशासक ही काम कर रहा है। ये जो प्रफुल्ल पटेल मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में दोस्तों ये प्रफुल्ल पटेल जी ही हैं जो कि लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, ठीक है, इसको आप सही कर लेना। प्रफुल्ल पटेल को वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले ही लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया था। तो सबसे पहले तो दोस्तों इनको प्रशासक बनाने पे ही विवाद छाया था, क्योंकि ये बीजेपी के एक प्रमुख नेता थे, राजनेता थे, और किसी भी राजनेता को जिस तरह से उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है ना, वो राजनीति से पृथक होना चाहिए, है ना, ताकि, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह काम करता है, उसे किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना होता है। तो वैसे ही उपराज्यपाल भी ऐसा ही होना चाहिए, प्रशासक भी ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रशासक को भी मुख्यतः उसी व्यक्ति को चुनते हैं का किसी भी पार्टी से संबंध ना हो। लेकिन इनकी नियुक्ति के समय भी दोस्तों ये थोड़ा सा हुआ था कि यह एक सक्रिय नेता थे बीजेपी के और इनको नियुक्त कर दिया गया प्रशासक, कहाँ का, लक्षद्वीप का, ये सही कर लेना आप, लक्षद्वीप के प्रशासक अभी यही हैं प्रफुल्ल पटेल भाई साहब, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने ही वर्तमान में लक्षद्वीप में नया कानून लाया है जिसको नाम दिया है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण मसौदा कानून 2021, ठीक है, इसे यह नाम दिया है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस कानून के तहत लक्षद्वीप में जो नियमित कानून चल रहे थे, नियमित प्रशासन चल रहा था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब विवाद हुआ है इनमें। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करोगे, ये क्वेश्चन आप यहीं से स्टार्ट करोगे। ये सारी जानकारी, ये जो अभी तक की जानकारी मैंने आपको बताई है यहाँ तक की, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताई है ना, ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ आपको शुरू करना है यहाँ से कि वर्तमान में लक्षद्वीप में जो प्रशासक है, पहली लाइन आप ये लिखोगे, वर्तमान में लक्षद्वीप में जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल पटेल और लक्षद्वीप के इन्हीं प्रशासक ने लक्षद्वीप में नया कानून बनाया है, फिर इस कानून का नाम लिखे, ये वाला पैराग्राफ आप लिखोगे, ठीक है। तो अब दोस्तों ये कानून तो बहुत विस्तृत है, बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन हमें इतना डीप नहीं जाना है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द मिलेंगे, तो 100 शब्दों में मतलब एक पेज में ही हमें समेटना है। तो मैंने जितना शॉर्ट बना सकती थी उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों पहले तो नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, जैसे अपने जेडीए है ना, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना,
उसी तरह से यहाँ पे भी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण का निर्माण कर दिया गया है। जैसा कि कानून के नाम से भी पता है कि भाई लक्षद्वीप के विकास के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये मैंने अपने शब्द नहीं है, सबसे पहले मैं कह रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की कोई भी निंदा नहीं कर रही हूँ, ये सारा हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, मैंने ये जो कानून में जो लिखा गया है सब कुछ वहाँ से ही उठाया, उस एडिटोरियल से ही, मेरे अपने कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कभी आप कहने लग जाओगे मैम आप गवर्नमेंट की बुराई कर रही हो या फिर नए कानून की बुराई कर रही हो, मैं कुछ नहीं कर रही, ये सारा एडिटोरियल में से मैंने लिया है, तो ये राइटर के वर्ड्स हैं, ये कल के हिंदू के एडिटोरियल में आया था, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा, इस प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि यह भूमि उपयोग से संबंधित नक्शे तैयार करेगा, जोन क्षेत्र निर्धारित करेगा, राजमार्गों, सड़कों, रिंग रोड, गलियों, हवाई अड्डों के निर्माण के लिए क्षेत्र चुनने का अधिकार दे देगा। मतलब जो ये विकास प्राधिकरण होगा दोस्तों, उसे लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए नक्शा तैयार करने का, भूमि उपयोग किस तरह से करना है ये करने का, राजमार्ग कहाँ बनाने हैं, सड़क कहाँ बनानी है, रिंग रोड कहाँ बनानी है, ये सारे अधिकार अब किसके पास में होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस प्राधिकरण के पास में होंगे, ठीक है। तीसरा कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण में जो विकास शब्द दिया गया है उसमें भवन, खनन, उत्खनन आदि किसी भी कार्य हेतु भूमि परिवर्तन और भूमि उपयोग को बताता है। इस विकास का मतलब है दोस्तों कि अब ये जो विकास प्राधिकरण है ये भूमि का किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है। मतलब दोस्तों इससे लोगों को यह डर लग रहा है जो लक्षद्वीप के लोकल लोग हैं कि उनका अपनी भूमि पर से अधिकार छिन जाएगा, बिकॉज भूमि पर सारे अधिकार अब लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण को सौंप दिए गए हैं, तो लोगों को डर लग रहा है कि खुद की भूमि पर से उनका अधिकार छिन जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और इस कानून में कुछ कहा भी इस तरह से ही गया है कि अब लक्षद्वीप की भूमि पर सभी तरह का अधिकार इस प्राधिकरण का होगा, वह लक्षद्वीप के विकास के लिए चाहे जैसे भूमि उपयोग कर सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राइटर कह रहे हैं, ठीक है। विकास योजना के कार्यों में बाधा डालने वाले पर कारावास और जेल जैसे दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी इन विकास योजना में बाधा डालेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई श्रमिक हो, तो उसे जेल में डाला जा सकेगा, उसे दंड दिया जा सकेगा। भूमि उपयोग हेतु लोगों को जबरन स्थानांतरण भी किया जा सकता है। ये भी इस कानून में लिखा गया है कि कोई भूमि नहीं देना चाहता है, अगर सरकार यहाँ पे रोड बनाना चाहती है, हवाई अड्डा बनाना चाहती है, और कोई नागरिक कह रहा है कि मेरी पुश्तैनी भूमि है मैं नहीं दूंगा, तो उसका जबरन स्थानांतरण भी किया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि लोकल लोग क्यों आक्रोश में हैं दोस्तों, अगर ऐसे कानून बनेंगे तो आक्रोश में तो आएंगे ना। इसके अलावा दोस्तों बीफ के उपयोग और बेचान भी दंडनीय होगा। दोस्तों आपको पता है सुन्नी मुसलमान लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जनजाति है दोस्तों, वो मतलब वो है ही नहीं, आदिवासी लोग हैं, तो उनका काम ही यही है दोस्तों बीफ वगैरह खाना बेचना, तो इस चीज़ को दंडनीय बना दिया गया है। तो उस इससे क्या हो रहा है, उनकी सांस्कृतिक भावनाएँ जो हैं, धार्मिक उनकी जो खुद की भावनाएँ हैं वो आहत हो रही हैं कि यार कोई भी कानून इतना बड़ा थोड़ी होता है कि लोगों की लाइफस्टाइल चेंज कर दे, और हम तो आदिवासी जनजातियों को संरक्षित करने की बात करते हैं, तो ऐसे कानून थोड़ी बनाने चाहिए हमें कि आपको क्या खाना क्या बेचना, ये भी अब हम थोड़ी सिखाएंगे उनको, लेकिन इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। एक और कानून बनाया गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब आप सोचिए, वो आदिवासी इलाका है, वो जानते ही नहीं है कि परिवार नियोजन क्या होता है, वहाँ जाके ये कानून बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आदिवासी थोड़ी जानते हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो अब उन लोगों को जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं, वहाँ पे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा विरोध हो रहा है। एक दोस्तों गोंडा एक्ट भी लाया गया है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को छोटी सी सजा के, छोटे से कार्य के लिए, मतलब गलती के लिए, बिना किसी कार्य के लिए जेल में डाला जा सकता है। अब उस लेख में ऐसा ही लिखा हुआ था, बिना किसी कारण के भी जेल में डाला जा सकता है, और यह भी उस क्षेत्र में लागू किया गया है जहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है ही नहीं वहाँ पे क्राइम रेट, क्राइम जानते ही नहीं है वो लोग, है ना। तो उसमें ऐसा भी लिखा हुआ था। एक दोस्तों मछली पालन जनजाति को कोस्ट लाइन क्षेत्रों में जाने से भी रोका गया है। दोस्तों अब हमने पढ़ा था ना लक्षद्वीप का व्यवसाय क्या है, मछली पालन है। अब दोस्तों बताओ, इनको यही कह दिया कि आप जाओगे ही नहीं तटीय क्षेत्रों में मछली पालन, तो दूर की बात है। तो ये भी तो इनकी मतलब इनकी रोजी रोटी छीनने का ऐसा काम कर रहा है ये। आप विकास तो कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को तो देखो, उनके तो मतलब धंधे छीन रहे हो ना आप, वो कहाँ से खाएंगे बेचारे। तो कोस्ट लाइन क्षेत्रों में जाने से मना कर दिया गया है, और एक कोस्ट गार्ड एक्ट बनाया
बनाया गया है जिसके तहत कोस्ट गार्ड क्षेत्र में स्थित शेड्स को हटा दिया जाएगा, मतलब तट के किनारे जो लोग रहते थे उनको भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अजीब अजीब से दोस्तों इसमें ये किए गए हैं बदलाव, तो जिसका सारे इंडिया में विरोध हो रहा है। अगर ये ऐसे कानून दिल्ली जैसे देश में राज्य में लाए जाते तो अब तक पूरे भारत में दंगे हो चुके होते। लेकिन लक्षद्वीप बेचारा छोटा सा क्षेत्र है, वो जानते भी नहीं है वो लोग इतना कानून वगैरह क्या होते हैं। ये भी वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं या फिर हम जैसे लोग हैं या फिर और पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं वो इसका विरोध करें, तब उन लोगों को पता चला है कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसा कानून आया, नहीं तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता बेचारों को। तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब तो है कानून, लेकिन सरकार अब यहाँ पे क्या कह रही है वो भी पढ़ लेते हैं। लक्षद्वीप प्रशासन ने उपयुक्त सुधारों के पक्ष में तर्क लेते हुए तर्क दिया है कि सुधार मालदीव की तर्ज पर लक्षद्वीप का विकास करने हेतु किए गए हैं। तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि मतलब विकास करने के लिए बदलाव तो करना ही पड़ता है और ऐसे बदलाव जरूरी भी है। सरकार भी अपनी जगह सही है कि भाई मतलब रोड बनाने पड़ेंगे, रिंग रोड बनाने पड़ेंगे, मतलब पूरा उसे एक लक्षद्वीप को हमारे एक पर्यटन हब के रूप में सरकार विकसित करना चाहती है, इसलिए सरकार ये सारे काम कर रही है। लेकिन दोस्तों मैंने एक सकारात्मक पॉइंट के साथ में इसे ख़त्म किया है कि तो आशा है कि सरकार लक्षद्वीप की जनजातीय जनसंख्या के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही संधारणीय विकास हेतु कदम उठाए। जहां हमने संधारणीय विकास का नाम ले दिया दोस्तों, उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार ना तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए और पर्यावरण के साथ ही विकास करे, पर्यावरण को ध्यान में रखते ही विकास करे। दो चीज़ें होती हैं, या तो हम इतना विकास कर दें कि पर्यावरण और लोगों को बिल्कुल भूल जाएं, या हम संधारणीय विकास करें ताकि पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाते हुए ही हम विकास पर ध्यान दे ताकि पर्यावरण को हानि भी नहीं पहुंचे और विकास कार्य भी चलते रहें। तो ये लाइन आप भी ऐड कर सकते हो, हमें हमेशा सरकार का ही पक्ष लेना है और पॉजिटिविटी के साथ ही ख़त्म करना है कोई भी आंसर, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी है। तो सरकार के लक्ष्य भी दोस्तों थोड़े दिन में साफ हो ही जाएंगे। वैसे तो सरकार का यही कहना है कि जिस तरह से मालदीव ने अपने आप को पर्यटन का हब बनाया है उसी तरह के सुधार हम लक्षद्वीप में करना चाहते हैं, इसलिए हम कदम लेके आए हैं। बाकी नहीं पता हमें अभी, हम ऐसे सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। कानून में जो खामियां हमें अभी ऊपर से दिखी हैं उसकी चर्चा हमने कर ली और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी तक इसकी खामियां ही आई हैं, कुछ अच्छाइयां आई नहीं हैं। जब इसकी कुछ अच्छाइयां आ जाएंगी तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि क्यों विवाद छा रहा है लक्षद्वीप में, किस मुद्दे पर हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो वीडियो चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।